हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माइंड के दोस्तों। मैं हूं आकाश पटेल और आप देख रहे हैं यूनिसेफ मेक योर सेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आप ऐसे कुछ बच्चे कमेंट करते थे कि सर, अगर मैंने 3ds मैक्स सीख लिया तो क्या मेरा करियर बन सकता है क्या? मींस 3ds मैक्स सीखने से क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में आज के वीडियो में फुल डिस्कशन करेंगे। मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि टॉपिक क्या है। टॉपिक है कि 3ds मैक्स सीखने से क्या बेनिफिट्स होगा और अगर हमने 3ds मैक्स सीख रखा है तो हम किस किस प्रोफाइल में जा सकते हैं। चलिए जी, शुरुआत करते हैं वीडियो की। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटो कैड स्टैट प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको लेके यूज कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। चलिए, थैंक यू। अब वीडियो स्टार्ट कर। गाइस, आप सब में से बहुत से बच्चे तो ऑटो कैड तो सीख ही रहते हैं। अब कुछ बच्चे कॉलेज में या फिर बाहर या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे 3ds मैक्स सीख रहे हैं। 3ds मैक्स सीखना जरूरी क्यों है, पहले ये जानना जरूरी है। तो भाई, अगर आपको किसी भी 3D व्यू का एक्सीलेंट रेंडर चाहिए तो ना आपको वो रैबिट दे सकता है, ना स्केचअप दे सकता है। आपको आना ही पड़ेगा 3ds मैक्स के प्लेटफॉर्म पे। यानी अगर बेस्ट रेंडर चाहिए, 3ds मैक्स इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अब बात आती है कि सर, क्या 3ds मैक्स ही एक ऑप्शन है? यस, 3ds मैक्स के अंदर वीरे के थ्रू रेंडरिंग कर देंगे, उस रेंडरिंग का कोई जवाब नहीं है, एक्सीलेंट रेंडर हो जाता है। दूसरी चीज, और कौन जा सकता है 3ds मैक्स में? भाई, अगर आपने अच्छी तरीके से, आपको इंटीरियर का कॉन्सेप्ट पता है या फिर आप सोचते हो कि ये चीज मैं यहां रखूं, अपने रूम को सजा के रखते हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इंटीरियर का एक कीड़ा है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, इस कीड़ों को शांत करने के लिए इसी में कैरियर बना दीजिए, मजा आ जाएगा। इंटीरियर डिजाइनिंग में बड़े सिटीज में, मेट्रो सिटीज में लाखों में इनकम है, लाखों में। चाहे जॉब में चले जाओ, चाहे पर्सनल वर्क में चले, पर्सनल वर्क का तो छोड़ दो, पर्सनल वर्क में एक बाथरूम में किचन डिजाइन करने के लिए 3-4 लाख के प्रोजेक्ट निकल रहे हैं। कितने के? 3-4 लाख के प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं। अगर कचहरी अगर फिटिंग वगैरह चाहिए तो, मतलब कुल मिला के बहुत ज्यादा इनकम है इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड में, अगर आप मेट्रो सिटीज में हो। गर्ल्स के लिए तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा, मेरा ये अभी तक का अनुभव रहा है कि गर्ल्स के अंदर एक डेकोरेट करने का जो कीड़ा होता है बहुत ही अच्छा होता है, और वो अगर कैरियर बना रही है तो 3ds Max इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, इसमें उनको बनाना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आपने डिप्लोमा किया है कि डिग्री किया है, दोनों किए हो मच बेटर है। नहीं भी किए हो, डिग्री किए हो या फिर डिप्लोमा भी किए हो, नो इशू, उनको सिर्फ चाहिए रिजल्ट। तो भाई, 3ds Max एक ऐसी जगह है जहां पर ज्यादा किसी स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट क्वालिटी रेंडर की रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर आप कोई ड्राइंग रूम डिजाइन कर रहे हैं तो इस तरह से डिजाइन करिए जैसा उस इंसान का थॉट है, जैसा उस इंसान जो पर्सन है उसका स्टेटस है। अगर वो किंग स्टाइल में रहना चाहता है तो आप उसको किंग स्टाइल का ही ड्राइंग रूम सजेस्ट करिए, बना के दीजिए। तो कुल मिला के ये है क्रिएटिव की दुनिया। अगर आप क्रिएटिव हैं, आपका माइंड बहुत क्रिएटिव है और आपको डेकोरेट करना पसंद है, 3ds Max अगर सीखा है तो मच बेटर, उसको इंप्रूव कर लो। नहीं सीखा है तो सीख लो, ना आपको स्ट्रक्चर में जाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी और कॉन्सेप्ट में लाइक बिलिंग एनालिस्ट या सर्वे या किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये कैसी है कि अगर आप घर पे बैठे हो तो भी आप मॉडलिंग करके, रेंडरिंग करके किसी को भी दे सकते हो। एक तरीके से उसको बोल सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा मिल सकता है। हर एक आर्किटेक्ट को एक इंटीरियर डिजाइनर या फिर एक रेंडर वाला बंदा अच्छा चाहिए, जो 3D मॉड्यूलर अच्छा हो, तो आपको बहुत इजीली जॉब मिल जाती है 3ds Max के अंदर। होप आपको वीडियो में समझ में आया होगा कि भाई 3ds Max के बेनिफिट्स क्या है। अब वैसे कई लोग सोच रहे होंगे कि 3ds Max सर सीखना भी है, तो यूनिसिविल ऐप पर 3ds Max बहुत ही लो कॉस्ट में हमने डाल रखा हुआ है। आप जाइए वहां पर देख लीजिए, 3-4 लेक्चर फ्री है, अगर अच्छा लगे तो उसको एक्सेस करिए, नहीं अच्छा लगे कहीं और से सीखिए, बट ऐसा सीखिए कि रेंडर आपका बेस्ट क्वालिटी का हो। कॉन्सेप्ट, केवल कमांड नहीं, कमांड तो कोई भी सिखा देगा, कॉन्सेप्ट्स कि भाई ये चीज यहां पर रखने के बेनिफिट्स क्या है, ये सब कुछ अगर आप सीखते हैं तो इंटीरियर डिजाइनिंग्स में प्लस रेंडरिंग की दुनिया में, यानी 3D मॉडलिंग में, आप एक्सीलेंट लेवल का पैकेज उठा सकते हैं विदाउट मच टेक्निकल नॉलेज। बहुत टेक्निकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती यहां पर, सिर्फ टेक्निकल के अलावा क्रिएटिव लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस। जय हिंद, जय भारत।